मैं मेरे साथ यहाँ पे कुछ लोकल लोग भी आपका ट्रेवल कर रहे हैं वियतनाम के। मीना ने मुझे ये ऑफर किया है पापड़ा, नॉट पापड़ा नहीं पापड़ कि आज मैं आपको घुमाने वाला हूँ वियतनाम, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक बस से, पूरा का पूरा वियतनाम मतलब। और इस बस का जो किराया है वो 1.5 लाख रुपया है। भाई यहाँ तूफान आ गया, बहुत खतरनाक वाला, देखो बस में अब भागना पड़ेगा अंदर की तरफ। भाई एक थाली की जो कीमत है ना 80,000 रुपए की। सो हेलो जी, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया शानदार, मैं बहुत बढ़िया हूँ। और भाई इस समय मैं आपका वियतनाम में हूँ और आपका शाम के बज गए हैं भैया 5 और वियतनाम का बाजार सजने का टाइम लग गया और आज मेरा दिन थोड़ा देर में शुरू हो रहा है। उसके पीछे वजह क्या है ना, बारिश। भाई वियतनाम में बारिश ना कब कहाँ से हो जाती पता ही नहीं चलता यार, बिल्कुल मुंबई वाला मौसम है यार। कब अभी थोड़ी देर धूप आ जाएगी, अभी बारिश आ जाएगी। और भाई वियतनाम की सीरीज में सच में बहुत मजा आ रहा है। पिछले इतने सारे खूब सारे ब्लॉग्स में मैंने आपको वियतनाम के इतने सारे लोकेशंस कवर करके दिखा दिए। पता है पिछले 3 दिन से मम्मी कसम भाई बर्गर में और नूडल्स में जिंदा हूँ, क्योंकि जिस मार्केट में मैं आ गया था ना भाई, मेरे को साला यार हिंदी खाना ही नहीं मिल रहा था। मतलब अपना इंडियन चावल दाल रोटी सब्जी, जहाँ जाओ चाऊ चाऊ मन चाऊ पन चाऊ क्या क्या, यहाँ ना सुमर बीफ और फिश प्रॉन्स लॉबस्टर ऐसे ऐसे जानवर खा लेते हैं ना लोग, तो मैं ना बड़ा परेशान सा हो गया था। और भाई आपका शाम के 5-5:30 बजे ना वियतनाम के बाजार के माहौल कैसे हो गए? सारे सारे जितने भी स्टोर थे ना यहाँ पे, क्या होता है ना, ये जितने आपको साइड में दिख रहे हैं स्टोर, ये अलग अलग टाइप के स्टोर होते हैं, लेकिन रात होते होते ना ये सारे बियर बारों में बदल जाते हैं जितने भी आपको दिख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे ना मेन इनकम क्या है टूरिस्ट को, बियर से है, बार से है, खाने से है। आप इस हो ची मिन्ह सिटी में वियतनाम में कहीं घूम लो भाई, आपको मैक्सिमम गांजा दारू खाना नाच गाना मसाज पार्लर यही सब मिलने वाला है। तो चलो हम भी निकलते हैं वियतनाम में घूमने के लिए। और आज मैं आपको सोचा है कि मैंने आपको करानी है बस की यात्रा। मतलब यहाँ पे ना एक बस है जिसके बारे में लास्ट टाइम मैंने बताया था ना कि वो पूरा हो ची मिन्ह घुमाती है, एक सिटी टूर है बस है। वो कितने की है, कैसी है, सही है या नहीं है, तो वो गवर्नमेंट की सर्विस है यहाँ वियतनाम की। वो आपसे मेरे ख्याल से 300-350-400 रुपये लेती है। वो पूरा वियतनाम में जितने भी सारे रोड्स हैं, जितने भी सारे टूरिस्टिक प्लेसेस हैं यहाँ के, सबके पास ले आती है, घुमा फिरा कर लेकर आती है। जितने भी इंडियंस यहाँ आते हैं ना, और इंडियंस के अलावा जितने भी बाहर से लोग आते हैं ना, वो आपका वो सिटी बस में टूर जरूर करते हैं, क्योंकि एक ही बस में बैठते बैठे ना पूरा वियतनाम घूमने का मौका मिल जाता है। तो चलो आज हम भी ट्राई करते हैं। पहले यार रूम से निकले हैं तो पहले कुछ खा लेते हैं, बस भगवान की कृपा यही रहेगी कि आज ना खाने में कुछ हिंदी खाना मिल जाए। मैं रोज ना भाई नूडल खा के पक चुका हूँ भाई। और ये देखो भाई, आपको ना यहाँ पे हर जगह पे आपको शॉप तो बहुत सारी मिल जाएंगी, जैसे स्ट्रीट फूड मार्केट मिलता है ना, आपको हर जगह मिल जाएगा। लेकिन ना यहाँ पे खाने के लिए आपको जो मिलेगा वो आप खा नहीं पाओगे, क्योंकि हर जगह आपको बीफ पॉर्क इसके अलावा कुछ मिलता ही नहीं है। ये जितनी भी आपको कपड़ों की दुकानें दिखाई दे रही ना, शाम को ये सारी बियर बार की और मसाज पार्लर की दुकान बन जाएगी भाई। सबके कपड़े पीछे चले आते हैं भाई, पता ही नहीं चलता है। देखो आपको हर जगह पर आपका मसाज मिल जाएगी, थाई मसाज, फूट मसाज, ये सारी आपके मसाज पार्लर्स हैं भाई यहाँ पे। और यहाँ पे ना जैसे हमारे वहाँ वो खोखे वाले होते हैं ना, जैसे पनवाड़ी बोलते हैं, यहाँ पे पनवाड़ी की दुकान पता कैसी होती है मैं आपको दिखाऊँ। हमारे वहाँ पनवाड़ी खोखे में बैठते ना, इंडिया में छोटा सा कोपचा लगा के उसके अंदर बैठ रहते हैं, लेकिन यहाँ के पनवाड़ी की दुकान क्या होती है, एक टेबल होती है, उसके ऊपर एक अटैची होती है जो पुराने जमाने में ना पिक्चरों में दिखाते ना, जिसमें कैश लेके घूमते थे विलन और वो हीरो लोग, ऐसे अटैची होती है। मैं आपको दिखाता हूँ इस टाइप से वो अटैची होगी, और वो खोलेंगे उसके अंदर सारे क्या कहते हैं सिगरेट्स के पैकेट, सारे तम्बाकू के सारे पैकेट उसके अंदर रहते थे। ये आपको दिख रही है बिल्कुल मेरे ठीक सामने, ये है भैया यहाँ के पनवाड़ी की दुकानें बिल्कुल ऐसी होती हैं। और आपको सारे रेस्टोरेंट जहाँ पर खाना पाना आपको दारू बियर मिलती है ना, वहाँ पर आपको ऐसे लगे मिल जाएंगे LED जहाँ पर आपका आज इंडिया और श्रीलंका का मैच भी है भाई। आप देखो हर जगह पर बड़ी बड़ी स्क्रीन लगा के ना मैच चल रहे हैं, उधर लोग दारू पी रहे देखो नीचे बैठ के, और सामने आपका क्रिकेट। मैंने पता किया यहाँ पे ना एक ताजमहल नाम से एक आपका होटल है, वहाँ पे ना आपका इंडियन खाना मिल जाता है, महंगा मिलता है हाँ ये तो है भाई। जितने में हमारे इंडिया में आपका जो चीज़ 50-60 रुपये मिलती है ना, यहाँ पे वो आपका 500-700 मिलती है, सच है। क्योंकि रोटी का प्राइस जब आपका 145 हो सकता है, तो आप समझ लो भाई सब्जी और दाल कितनी महंगी होगी। ये भाई आपका ताजमहल होटल जहाँ पे मैं आज आया हूँ, तो चलते हैं। तो भाई जी फाइनली मैं आपका आ चुका हूँ एक इंडियन रेस्टोरेंट के अंदर। यहाँ पे मैंने एग राइस मंगाया है और ये आपका चिकन राइस मंगाया है, साथ में चटनी दी है इन्होंने, थोड़े बहुत आपका ये मूंगफली के दिए हैं, साथ में रायता दिया हुआ है, सलाद दिया हुआ है। और ये एक थाली की जो कीमत है ना 80,000 रुपये की, ये एक प्लेट, ये सब फ्री है। लेडी आई वगैरह ये सब फ्री है, ये ऑल आर फ्री। अच्छा तो ये बोल रहे हैं कि योर नेम सोफिया, अच्छा यू आर ऑनर, ग्रेट, ये यहाँ की ऑनर है। तो इतना सब कुछ सच में देख के ना बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि पिछले 3-4 दिन से ना नूडल्स में बर्गर में जिंदा था यार मैं सच में। बहुत टेस्टी है, बढ़िया है, मतलब
उतना स्पाइसी नहीं, यहाँ पे लोग ना हल्का हल्का खाते हैं स्पाइसी। भाई ये अपने ताजमहल का जो खाना है ना, इसके प्राइस देख लो भाई आप। लस्सी का गिलास 30,000 रुपए का है, वेजिटेबल समोसा आपका 40,000 रुपए का है दो पीस। अगर आप कुछ वैसे खा रहे वेजिटेरियन फूड, दाल तड़का आपका 70,000 रुपए का है। बाकी सारे प्राइस आप देख लो अपने हिसाब से। अगर आप यहाँ रहे वेजिटेरियन फूड आपका 70-80-90 हज़ार रुपये के आसपास मिल जाता है। चिकन आपका 85,000 रुपये की थाली है, चिकन कड़ी 90,000 रुपये। और आप मटन खाओगे, मटन 1,15,000 के हिसाब से है, और एक 1,15,000 का मटन है भाई देख लो। और रोटी का प्राइस आपको दिखाता हूँ मैं, रोटी कितने की। तवा रोटी है 20,000 रुपये की, तंदूरी रोटी है 25,000 रुपये की। और जो हमने खाया वो खाया हमने एग करी, चिकन करी 60,000, 65,000, 50,000, सही है ना। तो भाई जी खाना वाना खाने के बाद हम लोग आ गए यहाँ के बुकिंग ट्रैवल एजेंसी के पास। सामने आपका बुकिंग ट्रैवल एजेंसी है, जिसके पास ना आपका पूरी हो ची मिन्ह सिटी में घूमने के सारे पैकेजेस हैं। आप देख सकते हैं सारे पैकेज, ऑल पैकेज। तो सिटी टूर बस का भी इनका पैकेज इनके पास है। तो हम यहाँ आ चुके हैं। Okay. तो भाई ये पूरा बस का मैप दिखा रहे हैं कि बस हमें कहाँ कहाँ घुमाने वाली है। सिटी टूर बस का जो पैकेज हमको पड़ रहा है ना, वो आपका पड़ रहा है 1,50,000 रुपए का पर पर्सन। 1,50,000 रुपए में ये बस हमें घुमाएगी पूरी हो ची मिन्ह सिटी के अंदर। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैप कैसे है। तो भाई ये पूरा मैप है, इस मैप के हिसाब से ना ये बस हमको ट्रेवल कराएगी पूरी की पूरी हो ची मिन्ह सिटी में, जहाँ जहाँ इनके ट्रैवल वाले मतलब जो इनकी प्लेसेस है ना, उन सारे प्लेसेस से होके निकलेगी। और हमारे पास पूरा 1 घंटे का टाइम है, हमें पूरा सिटी टूर हमारा इस बस से हो जाएगा। इसमें से कितनी लोकेशन मैं कवर कर पाता हूँ वो भाई देखने वाली बात है, क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं है मेरे पास वियतनाम के अंदर, एक आध महीना रह लूंगा ठीक है। तो भाई जी आपका टिकट तो हमने करा लिया था ना आपका बस की बुकिंग का, उन्होंने हमको बोला कि ओपेरा हाउस जाओ, यहाँ पे ओपेरा हाउस है आपका साइगोन सिटी के अंदर, वहाँ से आपको बस मिल जाएगी। हमने देखो बस चल रही है, देखो भाई वो दिख रही है आपको बस, इस बस में बैठना है हमको। वैसे जब मैं आपका यूट्यूब करियर शुरू किया था तब मैंने सोचा भी नहीं था कभी कि मैं आपका इस तरीके से देश विदेश की यात्राएं करूँगा। मैं अपने उत्तराखंड घूम रहा था, उत्तराखंड के बाद नेपाल चला गया। मैं कहा चलो ठीक है नेपाल घूम लिया, बहुत बड़ी चीज़ है, विदेश तो हो ही गया, लेकिन क्या पता था कि एक दिन श्रीलंका भी जाऊंगा, थाईलैंड भी जाऊंगा, वियतनाम भी जाऊंगा। आप सब लोगों का शुक्रिया यार, आप लोगों ने इस लायक तो बना दिया भाई कि आज मैं अपने दम पर पूरी दुनिया घूम सकता हूँ। वरना भले ही लास्ट तक मैं एक रुपया ना बचे, लेकिन पूरी दुनिया घूम लेंगे ना तो उससे बड़ी कमाई और कुछ नहीं है भाई। देख रहे हो आप बाइकर्स की गैंग, देख रहे हो बाइकर्स की गैंग। तो भैया ये है वो लोकेशन जहाँ से हमको बस मिलने वाली है। और ये सामने जो आपको दिख रही ना बिल्डिंग, इसे बोलते पीपल कमेटी बोलते हैं। बोलते कि यहाँ के सारे अधिकारी लोग ना आपका वियतनाम के इसी बिल्डिंग के अंदर रहते हैं। और जो ये सिटी है ना हो ची मिन्ह, इसका नाम हो ची मिन्ह इनके नाम पर रखा गया। ये जो आदमी है ना क्रांतिकारी, जैसे हमारे वहाँ आपका भगत सिंह लोग थे ना, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, और इन्हीं के नाम पर इस पूरे शहर का नाम हो ची मिन्ह सिटी रखा गया है। तो भैया जी मैं आपका पहुंच चुका हूँ ओपेरा हाउस, और आपको मेरे पीछे जो बस दिखाई दे रही ना, इस बस से मैं पूरा का पूरा वियतनाम मतलब हो ची मिन्ह सिटी घूमने वाला हूँ। और इस बस का किराया पड़ा मुझे 1.5 लाख रुपए में, इसी बहाने हो ची मिन्ह का ये लग्जरी बस का सिटी टूर भी हो जाएगा ठीक है। तो चलते हैं बस के अंदर, अब आपको बस के अंदर लेके चलते हैं। हेलो 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 सिंचोन। तो ये हमारी बस के को ड्राइवर है, यू आर ड्राइवर, ओके यू आर कंडक्टर, ओके। तो ये बस कुछ ऐसी रहने वाली है, चलते हैं बस के अंदर की तरफ। और अभी आपको बस के ऊपर लेके चलता हूँ, क्योंकि ना हम लोग ना बस के अंदर नहीं जाए बैठेंगे, हम बैठेंगे बस के ऊपर जहाँ से हम पूरा शहर देख सकें। भाई ये बस के ऊपर वाला हिस्सा है भाई, देखो ओ भाई साहब। तो भाई जी मैं तो आकर बैठ गया, सीट ले ली मैंने, और बस देखो अभी पूरी खाली थी, अब देखो कितने लोग आगे बैठ गए। यहाँ पे ना बस वालों ने आपका रेनकोट भी दिए हैं, आपका अगर बारिश आते जाए तो आप रेनकोट भी पहन सकते हो। लेकिन भैया जी हम लोग आपका निकल चुके हैं, हमारी बस स्टार्ट हो चुकी है, बस निकल चुकी है आपका पूरा साइगोन सिटी घूमने, हो ची मिन्ह सिटी घूमने के लिए। और सामने देखो भाई क्या नजारे हैं इधर से। तो भाई देख रहे हो आप कितना खूबसूरत सफर रहने वाला है। इस बस में बैठे बैठे ना हम आपका वियतनाम के सारे मतलब ट्रैवल डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर कर लेंगे। भैया मैं आपका ये जो आपका बस की यात्रा कर रहा हूँ ना, इसमें मेरे साथ यहाँ पे कुछ लोकल लोग भी आपका ट्रैवल कर रहे हैं वियतनाम के। योर नेम मीना इन वियतनाम, मैनी मोर पीपल नेम इन हिंदी नेम मीना, रीना, टीना, सीना, इन हिंदू नेम इज सेम लाइक मीना, गीता, टीना, रीना। तो यहाँ पे मेरे बगल में मीना बैठी, तो मैं पूरा मीना के साथ ये पूरा वियतनाम घूम रहा हूँ। मीना ने मुझे ये ऑफर किया है, व्हाट यू कॉल दिस, व्हाट इज दिस, यू ईट ना, व्हाट इज दिस, इसमें बीफ और पोर्क और बर्गर कुछ होना नहीं चाहिए भैया। ये मुझे पापड़, इट्स लाइक पापड़, पापड़ इन इंडिया वी कॉल पापड़, पापड़ा नॉट पापड़ा नहीं पापड़। तो भाई ये वाला ट्रैवल बहुत क्रेजी होने वाला है सच में। मैं ट्राई कर रहा हूँ मीना, मैं खा रहा हूँ, कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए मीना।
इट्स डिलीशियस सीरियसली। मुझे लगा था पहले कि पोर्क और बीफ तो नहीं है, मैं टेंशन में आ गया था। तो भैया अगर आपको भी वियतनाम में ऐसे खूबसूरत खूबसूरत लोगों के साथ में ऐसी यात्राएं करनी है तो भैया आ जाओ आप हो ची मिन्ह और ये बस बुक कर लो। ये बस हमको 1.5 घंटा पूरा हो ची मिन्ह घुमाने वाली है और पूरे मजे लेंगे आज वियतनाम के अंदर सच में। तो भाई अचानक से बारिश बड़ी तेज हो गई, सब लोग भागने लगे। भाई यहाँ तूफान आ गया बहुत खतरनाक वाला, देखो बस में अब भागना पड़ेगा अंदर की तरफ। भाई भाई साहब ये देखो क्या सिटी टूर हो गया भाई, हमारा बढ़िया वाला सिटी टूर हो गया। अब चलते नीचे को सामान छुपाने। तो भाई साहब गंदी वाली बारिश, मतलब जो कहते हैं ना कि ताबड़ तोड़, बिल्कुल ऐसी बारिश आ गई थी। मैंने तो कैप पहन ली, रेनकोट पहनने का टाइम तो मुझे मिला ही नहीं। मैं पूरी बस के देखते देखते ना पूरा भीग गया था, पूरी बस ना भाई देखो सब नीचे आके बैठ गए। विक्की भाई ने तो रेनकोट पहन लिया अपना, ये हमारे बस के कंडक्टर और साइड में देखो भाई आपका ये सी वाला व्यू, भाई साहब क्या खूबसूरत लग रहा है। अपना सिटी टूर कंप्लीट हुआ और मतलब ये जो किराया लगा इसका आपका 1.5 लाख रुपये लगा। 1.5 लाख को आप कहते हैं 295 रुपये से डिवाइड कर देना तो हमारा जो किराया है वो आपको आ जाएगा। अगर आप वियतनाम आ रहे हैं और आप भी अगर सिटी टूर करना चाहते हैं तो इस बस के माध्यम से आप भी सिटी टूर कर सकते हैं। क्या होगा ना इसमें दो तरीके हैं, एक तो हमने जो किया 1 घंटे के हमारा जो सफ़र था पूरा हो गया, लेकिन अगर आप चाहे तो ना आप इसमें पूरे दिन भर का भी ले सकते हैं। उसमें क्या होता है आपको ना एक बार पेमेंट करना पड़ता है, उसमें आप 24 घंटे तक के लिए आप इसमें कभी भी चढ़ सकते हैं, कभी भी बैठ सकते हैं। जहाँ जहाँ पर आपको बस मिलेगी वहाँ वहाँ आप इसमें बैठ सकते हैं, चढ़ सकते हैं, उतर सकते हैं। क्योंकि ये आपका जितनी भी इनकी ट्रैवल लोकेशन है, जो आपकी ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन है जहाँ पे लोग घूमने आते हैं, उन सारी लोकेशन पे जाके आधा आधा एक एक घंटा रुकती है ताकि लोग वहाँ पर आराम से घूमने जा सकें। तो आज का ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करना। अगर आपको लगा कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको कोई सही इन्फॉर्मेशन दी, अगर आप थाईलैंड आएंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे कम से कम। ठीक है भाई, तो चलो इस ब्लॉग को यहीं पर खत्म करते हैं और फिर कल मिलते हैं आपके साथ एक नए ब्लॉग में। तो पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो ना यार। चलो ठीक है, बाय।